राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह थी पूजा, सुहागलों की पूजा थी, संकटा माता खिलाई गई थी। ये आ गए हमारे जाने से पहले गए थे ना, आने पे आए। इनका चल रहा पेपर, किसी का पेपर था मैथ का, कैसा हुआ? ठीक। टीवी पे चैनल दिखा दो, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, दिखा दो चैनल, दिखा दो सब कर लें। अरे देख लें, और ये लोग क्या नाम ब्लॉग इस पे लगा के देख रहे हैं, टीवी पे ब्लॉग लगा के देखा जा रहा है। और खाना पीना तो बन गया था क्योंकि सुबह गए थे तो जल्दी बना लिया था। चिड़िया देखो कितनी बढ़िया रोटी खा रही ना वहाँ धूप में बैठ के, बाहर रोटियाँ रख दी थी, वहाँ चिड़िया खा रही है आराम से। अभी दिखाती हूँ, मगर भाग जाएगी ना, उड़ जाएगी। सुबह बाहर डाल दो ना धूप में, वहाँ पे दाने डाल दो या रोटी वगैरह बच जाती वहाँ रख दो तो चिड़िया बड़ी आराम से आके खा लेती हैं। मुझे जाना है बाहर काम से, अभी काम से जाना है। खाना बना के रख दिया था सुबह सुबह क्योंकि वहाँ जाना था, काफ़ी लेट हो गया था आज वहाँ, 12:30 हो गया था वहाँ से आते आते, क्योंकि फिर उन लोगों ने खाना वाना भी खिलाया, हम तो खाना खा चुके हैं भैया, बाकी लोगों का यहाँ बना रखा है, जब ये लोग खाएँगे तो अपना खा लेंगे। चार्जर लगा है यहाँ पर, चार्जर निकाल लेते हैं। देखो ये क्या शीशा इधर मचा के रखी, बेडशीट की हालत देखो। ए, हम अभी आए, हमसे ना को देखो, हम घर में नहीं थे, घर में ये थी, घर में ये थी तो तुम थे, कोई लोग बेडशीट नहीं लगा सकते हो? अभी थोड़ा सा बिजी है, बहुत जल्दी काम, टीवी देख रहा है। क्या बिजी हो? पेपर देख के आए, मैं कह रहा टीवी चालू, खत्म हो गया पेपर, पेपर खत्म हो गया तो टीवी देखी जाएगी। ये देखो वो तो सोती ही रहती है, पैर धूप में करके, वो भी हाँ पैर धूप में करके उनका सोना चालू रहता है। उड़ गई चिड़िया। चलिए मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, अब कपड़े वपड़े तो चेंज नहीं करेंगे, यही पहन के चले जाएंगे। मोजे उठा लिए, सर्दी बहुत है, और एक स्वेटर निकाल लूँ, कोट निकाल लेती हूँ, एक ठंडी होने लगी, ठंडी देखे ठंडी का कितने कपड़े सब निकल के बाहर आ गए ठंडियों में। और कुछ तो नहीं लेना है, हम जा रहे हैं, बाय राधे राधे। चलिए तो चलते हैं, काम 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 निपटाना है आज थोड़ा सा। तो बज चुका है रात का 8 बज गया आज, और अभी काम निपटाना बाकी पड़ा है, और बाहर टाइम हो गया। ये उबाल के रखे तो उसी ने टमाटर मोमोज बनाएगी, पता नहीं बनाएंगी भी कि नहीं बनाएंगी। चली गई है नीचे, सब पूरा फैला के रखा है किचन इन लोगों ने। चलिए किचन समेटते हैं, सबसे पहले नहा लें, कर दे भगवान की आरती, उसके बाद आगे काम करते हैं, क्योंकि नहाना पड़ेगा आरती के लिए। बाहर जाओ ना तो फिर मन नहीं करता ऐसे आरती करने का। और तो यहाँ पे लगा रहे हैं संध्या जी मेहंदी, खुश कितनी है, दूसरे हाथ में लगने जा रही है। हाँ तो क्या हुआ? तो अभी टाइम हुआ है 9:00 और आज मम्मी बना रही है पिज़्ज़ा। मेरा मन था मोमोज खाने का, लेकिन मम्मी को थोड़ा पैर वारे में दर्द हो रहा था और सामान नहीं था ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि पिज़्ज़ा बना देते हैं, तभी पिज़्ज़ा बन रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं, खा के दिखाते हैं। अब हम खाएंगे, आप देखिएगा, है ना? आपको खाना हो तो आप मेरे घर आ सकते हो पिज़्ज़ा लेकर, मतलब खाने के लिए आ सकते हो। तो अभी यहाँ पे मम्मी बना रही है पिज़्ज़ा, हम आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा घर में ही। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। तो मम्मी के पैरों में हो रहा था दर्द, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ,
तो हमने क्या बोलते हैं वहाँ बाहर पानी लगा दिया, उसमें भी नमक डाल देंगे तो अपना पैर सेक लेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैसे इनसे कहो तो ये करती नहीं है, ज़बरदस्ती इन्हें डांट के कराना पड़ता है। तो अभी पानी गर्म हो जाए फिर उसमें नमक डाल देंगे तो ये अपना पैर थोड़ा सा सेक लेंगी तो इनको आराम मिल जाएगी। तो अच्छी आ रही है खाने में, कैसा है? अच्छा अब खाके बताते हैं। चलिए जा रहा हूँ खाने, वो सब मटर वटर शिमला मिर्च और चीज़ भी सब पड़ा हुआ है। तो खाना पीना पूरा हो चुका है, आज बनाया था रवा पिज्जा। पिज्जा बनाने का मन था, चाहत का मन था पिज्जा खाने का। चाहत को चटर पटर बहुत पसंद है और मैं आके लेट गई, एकदम से पैर भी दर्द होने लगा बहुत तेज। तो उसी ने पानी गर्म करके दिया था, बाल्टी में देखो रखा है अभी, ये पानी गर्म किया तो उसमें पैर छेंका है। फैलेरिया वाला है ना तो दिक्कत करता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी दिवाली वाले दिन। पहले तो फीवर आया, उसके बाद फिर प्लेटलेट्स डाउन हो गई बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से 15 दिन तो बिस्तर पे ही रहे क्योंकि बहुत दिक्कत थी। आप समझ सकते हो प्लेटलेट डाउन होती है तो क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उस बीच कोई ब्लॉक नहीं बना, काफ़ी गैप आ गया था। मुझे लग रहा हाँ दिवाली के एक दिन पहले तक बनाया था, दिवाली के बाद से फिर वीडियो नहीं बना। तो उसी ने जो भी बनाया वो पूजा वगैरह की थी शायद, उसने बनाया शायद बनाया था, कन्फर्म नहीं है बनाया था कि नहीं बनाया था। तो मैं सोचा चलो, फिर बीच में तबीयत ख़राब रही, उसके बाद फिर नीचे इंगेजमेंट हो गया थी उसमें बिजी हो गए तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और मन नहीं इच्छा होता ना, तबीयत ख़राब होती तो फिर मन नहीं करता। अब तो खैर ठीक है, आराम है, काफ़ी आराम है, मगर तब भी 15 दिन हो गए, 15 दिन तो कंटिन्यू बेड पर रहे हम लोग, बहुत तबीयत दिक्कत थी। बहुत लेटेस्ट डाउन होती है ना, बहुत दिक्कत होती है। हमारे इधर डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, भयंकर वाला डेंगू हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। तो उसकी वजह से ब्लॉक बहुत बहुत गैप हो गया, हमें लग रहा है एक महीना लमसम हो गया। और तो उसी कर रही है किचन साफ क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था। पिज्जा तो जैसे तैसे बना दिया, बाकी फिर मेरा मन नहीं किया तो आके मैं बैठ गई। दर्द कर रहा पैर, शिकायत की थोड़ा टैबलेट खाई है तो जाके आराम मिला, बहुत भयंकर पैर दर्द हो रहा था। ये वाला दर्द होता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है। चलिए तो कोशिश करेंगे कि रोज़ ब्लॉग बनाएं, अभी फ़िलहाल तो बस खाना पीना हो गया है और 10 बज गया है करेक्ट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, 10 बज गया है रात का। तो अब लेटते हैं, सबके बिस्तर अपने अपने लग गए हैं, ये लोग भी बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं और तोसी किचन साफ कर रही है। साफ हो गया पूरा? लाइटें बंद कर दी? हाँ लाइट बंद हो गई। कम्बल एक और लेके आओ, मौसी या नीचे अकेले तो नीचे चलेंगे। तुम नीचे लेटोगे जाके मौसी के पास? तुम कम्बल एक रख दो इस पर, तो उसी जा रही नीचे क्योंकि दीदी अकेले हैं, शिवानी आज है नहीं, तो ये लेटेगी जाके मौसी के पास। चलिए कोई बात नहीं, अपना तो बिस्तर बिछा हुआ है इसी पे लेटते हैं। चलिए करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पैंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।